सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल इसको रिलीज करने के लिए, लाइक जितना भी वक्त लगता है एडिटिंग में, लाइक 1 to 2 months हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली कोशिश करेंगे 1 month के अंदर करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि इट्स ऑल अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन, वो जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा हम लोग इसको रिलीज करेंगे। किस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे लोग इसको? जी हम लोग जो दो रेनाउंड चैनल के साथ हम लोगों का बात चल रहा है, तो अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, जब वो रिलीज़ हो जाएगा वो अपने आप सबको को लाइक देखने को मिल ही जाएगा, वो बाकी अपडेट आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं आपने गाया है दो लाइन गाने हो सकता है कि? जी हाँ दोनों गाने नहीं, मैं एक गाने का दो लाइन गा देती हूँ, ठीक है? बट लाउडली ओके श्योर। दिल ने बोला 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 हाँ, फिर नीच कोला 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 कोला, यारा मैं क्या करूँ जाना, आई डू लव यू। दिल ने बोला 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 हाँ, फिर नीच कोला 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 कोला, यारा क्या करूँ जाना, आई डू लव यू। हम यहाँ आए हैं काम करने, मेहनत करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री में लॉबी में घुसना बहुत मुश्किल है, बट काफी दूर से आए हैं हम सब, नॉर्थ बंगाल से हैं, तो काफी दूर से आए हैं एक्चुअली। सभी सर ने मौका दिया है, सभी सर का मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है ये, और आगे भी इनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, इनके साथ मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ आने वाले टाइम, एक सीरीज कर रहे हैं हम साथ में मिलके, तो उम्मीद है सब कुछ अच्छा जाएगा। चलिए सर, आपका क्या कहेंगे सर, आर्टिस्ट तो आपकी माला जप रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखिए हमारा इंटेंशन हमेशा होता है कि लाइक क्लीन एंड इनोवेटिव हो, एक तो काम साफ हो और एक है कुछ इनोवेशंस, कुछ नयापन लाए। तो अभी जैसा इंडस्ट्री का हालत है कि हर दूसरा दिन एक नया गाना आता है मार्केट में, पहले जैसा है नहीं माहौल कि एक गाना बहुत दिन यादगार रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं आजकल गाने बहुत जल्दी, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे। अभी जैसा 6 गाना पाइपलाइन में है, अभी यहाँ पे 2 गाना शूट हो रहा है, नेक्स्ट 4 गाने का शेड्यूल है पालघर में, फिर एक वेब सीरीज़ है जो Z5 के लिए बनाया जा रहा है, और उसके बाद एक फीचर है, तो प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है, ताकि हम लोग, और ख़ास करके यहाँ पे नयापन ये है कि आई डोंट गो फॉर बिग नेम्स, बड़े स्टार्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते, हम स्टोरी स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट ये सब पे ट्रस्ट करते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देंगे। तो मैं खुद करीब 50 साल का हूँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग नए लोगों को एंट्री नहीं देंगे तो वो लोग आएंगे कहाँ से, नहीं तो आपको अगला 20 साल भी वही स्टार्स को लेकर चलना है जिसको लेकर आप पिछले 40 साल से चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा नयापन, थोड़ा नया फ्लेवर मौका दो, उसके बाद तो पब्लिक मालिक है एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर मौका तो मिलना चाहिए। कहते हैं बिरजू जी हमारे डायरेक्टर, अद्रिता जी जो हमारे कॉस्ट्यूम्स का टोटल सेगमेंट देख रहे हैं, फैशन स्टाइलिस्ट है हमारे, और रिंटू जी जो कोरियोग्राफर है, और ये गाना का टोटल जो आप देख रहे हो जैसे हो रहा है कंडक्ट हो रहा है, ये इनके ही निर्देश पे हो रहा है। बिरजू सर क्या कहेंगे, बीइंग डायरेक्टर दो दो गाने आपसे झोली में हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहेंगे? ये काफ़ी अच्छे गाने हैं, और वीडियो भी अच्छे शूट हो रहे हैं, कास्ट भी अच्छे हैं, सैबी सर ने गाने को लिखे हैं और उन्होंने आवाज़ भी दिए हैं, और सर के कंपनी से एयर किंग फिल्म के प्रोडक्शन बैनर तले ये सारा प्रोडक्शन चल रहा है, और रिंटू जी काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफी कर रहे हैं, उनका अद्रिता जी का काफ़ी अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है इसमें सारे कास्ट पे, और मैं इसमें मतलब हम लोग का एक पूरा टीम है सर के साथ, मतलब एयर किंग फिल्म का एक पूरा टीम है जो सब एक दूसरे से सजेशन से मिल करके इस वर्क को अंजाम दे रहे हैं, और सारा अच्छा हो रहा है, अच्छे शूट भी हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, और अच्छा काम हो रहा है, और हम लोग को भी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं काम करने में, और हमारा जो भूमिका है जो डायरेक्टर वो मैं, हम लोग अपने वर्क पे लगे हुए हैं अभी। उसमें हमारा फर्स्ट वाला जो गाना है उसमें ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा रोमांटिक सा सीन है, उसमें ज़्यादा स्टोरी तो नहीं रखे हम लोगों ने, बस उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रोमांटिक से सीन से कुछ अच्छे, तो उसमें क्या है थोड़ा सा ब्यूटी हम लोगों ने ज़्यादा दिखाया, और जो सेकंड गाना है उसमें स्टोरी है कुछ, जो सर का कुछ स्टोरी है उसमें, थोड़ा सा कुछ मेरा है स्टोरी, तो उसमें ऐसा स्टोरी है कि एक लड़की है और 2 लड़का है उसमें, तो
लड़की डबल डेट जैसे ही कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मैंने क्यों दे ही दिया, बाकी आप लोग मेहनत तो कर ही रहे, अभी आगे देखते हैं। तो आगे जैसे आएगा तब देख लेना, अभी तो पूरा स्टोरी नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग को देखना भी है थोड़ा सा। दो सॉन्ग में जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी लुक्स है, सब कुछ उनसे बैठ के कंसेप्चुअलाइज करके, डायरेक्टर से बैठ के पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स, किस सीक्वेंस में, किस अलग अलग टाइप के, सब इनसे बैठ के हम लोगों ने डिसाइड करके अभी काम को अच्छे से अंजाम देना, दैट्स द बेस्ट। हाँ, हम बोल रहे हैं कि हम लोग इतना वैरायटीज में, कई लोग सोचेगा क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक जॉनरे होता है कि लोग या तो म्यूजिक वीडियोस में स्पेशलाइज करते हैं या वेब सीरीज में या फिल्म्स में। हमारा ये वैरायटी लाने का वजह है कि जब हम मुंबई में काम स्टार्ट किए तो हमने देखा कि ये चैनल लोगों का अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत सारा इंटरनल डिस्क्रिपेंसी भी है। आपको एक प्रोजेक्ट पास कराने के लिए सरकारी ऑफिस में जैसा 80s में आपको लाखों रुपया घूस देना पड़ता था, यहाँ पे भी वो है और मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ एनी चैनल। तो कहानी ये है कि हम इसलिए एक अपना OTT ला रहे हैं जिसका नाम है एंटरटेन, जैसा एंटर ENTER और 10 10। अच्छा, एंटरटेन। हाँ, तो ये लोगो है उसका। तो ये उम्मीद है कि हमारा बर्थडे है जून को, जून में उस टाइम हम लोग ये लॉन्च करेंगे, तब तक ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, जो कम बजट में घर में बैठ के शॉर्ट फिल्म्स बनाता है, छोटा छोटा काम करता है, कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, कई किस्म का काम होता है, तो हम लोग इन टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं।